बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति, जिसमें अंग्रेजों को कई बार हार का सामना करना पड़ा, इसमें सबसे अहम हिस्सा थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल कहाँ है? रेडियो श्री 91.9 एफएम पर मेरा नाम है पंकज जीना और आज मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भदेनी 80 पर। रानी लक्ष्मीबाई नाम तो उन्हें झांसी में मिला था, बनारस में उन्हें मनु या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। और इस जगह की महत्ता ये है कि इसी जगह बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था और एक मॉन्यूमेंट के रूप में, एक स्मारक के रूप में बाहर से आने वालों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब एक जिज्ञासा देखने में मिलती है। लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं, साल में 15 अगस्त को और 19 नवंबर को जब झांसी की रानी का जन्मदिवस है उस दिन यहाँ बाकायदे बड़े आयोजन होते हैं। 19 नवंबर 1835 मनु यानी मणिकर्णिका तांबे का जन्म हुआ बनारस के भदेनी 80 पर। पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे और माताजी थी भागीरथी, जो महाराष्ट्र से यहाँ बनारस आए थे। मन में ठानी थी चमक उठी। 2003 से मतलब लगा है, उसके बाद से मैं अभी तक 2019 तक मतलब आउटसोर्सिंग पर मैं मुझको रखा गया है। यहाँ का सारा सफाई माली का काम, कटाई धुलाई चौकीदारी जो मतलब पूरी टोटल काम यहाँ का मैं करता हूँ। ये जगह हरियाली से भरी बहुत ही शांत और सुकून देने वाली है, साथ ही यहाँ कलाकृतियों के माध्यम से आप रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी आसानी से जान सकते हैं। अच्छा लगा ये देखकर, तो एक काम करिए, अपनी बिजी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर यहाँ चले आइए। अपने इतिहास की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ जानने को मिलेंगी। तो अभी जाने का वक्त हो गया, दोबारा मिलते हैं किसी अगली लोकेशन पर। यह रेडियो सिटी 91.9 एफएम, मेरा नाम है पंकज जीना, रग रग में बनारस सिटी।